हव्वा की एक और बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। खानेवाल में 5 रोज कबल लापता होने वाली 4 साल बच्ची की आखिरकार बोरी बंद मस्क शुदा लाश मिल ही गई। ज़ेबा नदीम आज से चंद रोज पहले हस्ती खेलती बच्चियों के हमरा खेलने गई, लेकिन बदकिस्मती से वापस ना आई, और जब वापस आई तो मस्क शुदा लाश के साथ एक बोरी में बंद खेतों से पाई गई। बच्ची के लापता होने की दरख्वास्त थाने में दी गई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने उनको धक्के देकर सबूत मांगते हुए वहां से निकाल दिया। अब लाश बरामदगी के बाद डीपीओ ने भी और आईजी पंजाब ने भी इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया है। वर्षा को यकीन दहानी करवाई गई है कि इंसाफ मिलेगा, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। आखिर पुलिस चैन से कब बैठती है? लिहाजा हमारा टॉपिक ये नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब तक इस्लामी कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा, ऐसे दरिंदों को सरेआम सजाएं नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक ये सिलसिला नहीं रुक सकता। ना ही इंसानी हकूक की तंजीमें इसके ऊपर काम करेंगी, और ना ही हमारे हुक्मरानों के ऐवानों से कोई आवाज निकलेगी, और ये आवाज एक ही है, और वो मौजूद है इस्लामी कवानीन में।